हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं आप लोगों का जो Xiaomi, Redmi और Poco का जो डिवाइस है ना, उनके लिए आप लोगों को फ्यूचर में कितने एंड्रॉइड के अपडेट मिलेंगे और कितने यहां पर MIUI के जो अपडेट है ना वो यहां पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहां पर जो लिस्ट है ना वो सामने निकल के आ चुकी है। सो अगर आप लोग इंडिया में Xiaomi, Redmi, Poco का कोई भी डिवाइस यहां पर यूज करते हो सो वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है सो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 200 लाइक का, और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार यहाँ पर विजिट कर रहे हो तो इसको आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि आप लोगों को आगे भी फ्यूचर में इसी तरीके की वीडियो है ना वो यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। बाकी आप लोग हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है ना इसको भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब गाइस बात कर लेते हैं आप लोगों का जो डिवाइस है ना उनके लिए आप लोगों को कितने यहाँ पर एंड्रॉइड के जो अपडेट है ना वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो लिस्ट है ना वो सामने निकल के आ चुकी है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं Redmi Note 11s डिवाइस के बारे में। सो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर जो अपडेट है ना वो यहाँ पर 90 डेज के बाद में मिलेगा, मतलब कि एक जो अपडेट है ना वो आपको 90 डेज के अंदर कभी भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ये Xiaomi की ओर से ऑफिशियली यहाँ पर कंफर्म है। और सेकंड है आप लोगों को रिलीज डेट, मतलब कि डिवाइस है ना वो यहाँ पर जनवरी 2022 के अंदर रिलीज हुआ था, और इसके अंदर आप लोगों को जो यहाँ पर लास्ट अपडेट है वहाँ पर जनवरी 2022-25 तक यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और एंड्रॉइड 11 का अपडेट है वो आप लोगों को प्री इंस्टॉल देखने को मिला था, और एंड्रॉइड 12 का अपडेट भी आएगा, और एंड्रॉइड 13 का जो अपडेट है ना वो भी यहाँ पर आएगा। सो ये तो है ओनली Redmi Note 11s का। अब मैं आप लोगों को फटाफट बता देता हूं, तो ये Redmi Note 11 इसके अंदर आपको Android 12 का मिलेगा, Android 13 का भी मिलेगा, और जनवरी 2025 तक आपको लास्ट अपडेट मिलेगा। सो EOL क्या है, मतलब कि एंड ऑफ लाइफ, मतलब कि जनवरी 2025 के बाद में Redmi Note 11 डिवाइस के अंदर आप लोगों को एक भी जो अपडेट है ना वो देखने को नहीं मिलेगा। Redmi Note 11 Pro 5G, Android 12 भी आएगा, Android 13 भी अपडेट आएगा, Poco M4 Pro, सो Poco का डिवाइस है वो भी यहाँ पर आ चुका है, इसके अंदर आपको Android 12 का अपडेट मिलेगा, और Android 13 का जो अपडेट है ना वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, और EOL डेट है वो आपको सेम देखने को मिलती है 2025। और यहाँ पर गाइज Redmi Note 11 Pro Plus 5G, तो कितने यहाँ पर Redmi Note 11 सीरीज के अंदर आपको डिवाइस मिलते हैं, इसके अंदर भी Android 12 अपडेट आएगा, Android 13 का भी अपडेट आएगा। अब यहाँ पर मेन ट्विस्ट है ना वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ये है Xiaomi 11 Lite 5G NE। गाइज यहाँ पर जब ये डिवाइस है ना वो यहाँ पर रिलीज हुआ था तो Xiaomi की तरफ से बड़े बड़े पोस्टर है ना उसमें यहाँ पर क्लेम किया गया था कि Xiaomi 11 Lite NE 5G जो डिवाइस है ना इसके अंदर आपको Android 12 भी मिलेगा, Android 13 भी मिलेगा, और Android 14 भी मिलेगा, मतलब कि आपको तीन जो सिक्योरिटी पैसों का जो अपडेट है ना वो तो यहाँ पर मिलेंगे ही, साथ ही में आपको तीन यहाँ पर Android के जो अपडेट है ना वो देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये डिवाइस Android 11 के साथ में आपको यहाँ पर प्री इंस्टॉल देखने को मिला था, सो यहाँ पर Android 12 है, Android 13 और Android 14 तक यहाँ पर अपडेट मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ पर Xiaomi की तरफ से क्लेम किया गया है कि Android 12 है और Android 13 के जो डिवाइस है ना वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और ये एक Xiaomi का आप लोगों को मिड रेंज फ्लेक्सिव डिवाइस है ना वो देखने को मिलता है। सो आप लोग खुद ही समझ सकते हो, चाहे आप लोग Xiaomi का यहाँ पर फ्लेक्सिव डिवाइस ले लो या फिर मिड रेंज फ्लेक्सिव डिवाइस ले लो या फिर एक बजट डिवाइस ले लो, आपको Android के जो अपडेट है ना वो तो यहाँ पर सेम देखने को मिलेंगे। सो ये वाला भी आप लोगों को यहाँ पर कमाल का एक ट्विस्ट है ना वो देखने को मिलता है इसी वीडियो के अंदर। अब गाइस आपको Xiaomi 11T Pro इसके अंदर Android 12 के भी अपडेट आएंगे, Android 13 का अपडेट है वो भी यहाँ पर आएगा, 11T सेम आपको देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं Redmi 10 डिवाइस के बारे में, तो गाइस इसके अंदर आपको Android 12 का भी अपडेट मिलेगा, Android 13 के अपडेट मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो आप लोगों को एंड ऑफ लाइफ के जो अपडेट है ना वहाँ पर अगस्त 2024 तक यहाँ पर देखने को मिलेंगे, उनके अंदर आपको 2025 तक यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। सो Poco M3 Pro इसके अंदर भी आप लोगों को एंड ऑफ लाइफ जो अपडेट है वहाँ पर अप्रैल 2024 तक मिलेंगे, और Android 12 का भी अपडेट आएगा, और नेक्स्ट वाला अपडेट मतलब कि Android 13 का भी अपडेट आएगा। Redmi 10 2022 सेम आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर जनवरी 2024 तक यहाँ पर देखने को मिलेंगे। Redmi Note 10 5G, तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इसके अंदर ओनली Android 12 का अपडेट आएगा, Android 13 का अपडेट है वो इस डिवाइस के अंदर नहीं आएगा, और अप्रैल 2024 तक आप लोगों को यहाँ पर लास्ट अपडेट है ना वो देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं Xiaomi के अब तक के मतलब कि सबसे यहाँ पर फ्लेक्सिव डिवाइस के बारे में, और सबसे महंगा डिवाइस है ना वो भी आप लोग कह सकते हो, जो कि है Xiaomi 11 Ultra।
अब ये जो डिवाइस है ना यहाँ पर Xiaomi का फ्लेक्सिव डिवाइस है, जैसे कि यहाँ पर एप्पल के जो नए डिवाइस आते हैं, सैमसंग की S सीरीज आती है, नोट सीरीज आती है, उसके जैसे आपको Xiaomi की Mi 11 अल्ट्रा है ना वो देखने को मिलते हैं। अब इसके अंदर एंड्रॉइड अपडेट आपको कितने मिलेंगे, तो आप लोग देख सकते हो एंड्रॉइड 12 है, मतलब कि ये वाला जो करेंटली अपडेट चल रहा है ना एंड्रॉइड 12 का, वो यहाँ पर लास्ट अपडेट है वो होने वाला है Xiaomi Mi 11 अल्ट्रा डिवाइस के लिए। एंड्रॉइड 13 का भी अपडेट नहीं आएगा, एंड्रॉइड 14 का भी अपडेट नहीं आएगा, और ना ही एंड्रॉइड 15 का अपडेट आएगा। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले मैं सोच रहा था इस डिवाइस को परचेज करने की, लेकिन फिर मुझे पता चला कि Xiaomi ने यहाँ पर पहले तो बोल दिया है, लेकिन बाद में इतने अपडेट है ना वहाँ पर आने वाले हैं। अगर किसी डिवाइस के अंदर अपडेट है ना वहाँ पर खत्म हो जाते हैं, आगे अपडेट नहीं आते, जो वो डिवाइस है ना वो यहाँ पर एकदम लो से लो यहाँ पर चलने लग जाता है। अब मैंने यहाँ पर रिसेंटली S22 अल्ट्रा है ना वहाँ पर परचेज कर लिया है, मतलब कि अभी प्री बुक करा दिया है, थोड़े ही दिन के अंदर वो यहाँ पर आ जाएगा 10 से 15 डेज के अंदर। अब उसके अंदर आपको एंड्रॉइड 12 तो प्री इंस्टॉल मिलेगा, एंड्रॉइड 13, एंड्रॉइड 14, एंड्रॉइड 15, एंड्रॉइड 16, चार आप लोगों को अपडेट है ना वो देखने को मिलेंगे। और एंड्रॉइड वर्ल्ड के अंदर ये एक बहुत ही बड़ी बात है, Redmi Note 10 S इसके अंदर आपको एंड्रॉइड 12 अपडेट लास्ट अपडेट होगा, और अप्रैल 2024 यहाँ पर लास्ट अपडेट डेट है। Redmi Note 10T 5G Android 12 यहाँ पर लास्ट अपडेट है ना वो होने वाला है इस डिवाइस के लिए। Xiaomi Mi 11 Lite 5G इसके लिए भी Android 12 का जो अपडेट है वो लास्ट अपडेट होने वाला है, और अप्रैल 2024 का आप लोगों को यहाँ पर लास्ट अपडेट है वो देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं Redmi Note 10 Pro। अब गाइज ये जो डिवाइस है ना वो मेरे पास भी है, और इसके अंदर एंड्रॉइड 12 का अपडेट है ना यहाँ पर ग्लोबल के अंदर आ चुका है, इंडिया के अंदर काफी जल्दी मिलने वाला है। सो यहाँ पर इसके लिए एंड्रॉइड 12 का अपडेट है वो लास्ट अपडेट होने वाला है, जब भी एंड्रॉइड 13 का अपडेट आएगा इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को वो वाला अपडेट है वो देखने को नहीं मिलेगा, और लास्ट अपडेट है वो आपको मार्च 2024 तक देखने को मिलेंगे। सेम आपको Redmi Note 10 Pro Max के साथ में देखने को मिलता है, Redmi 90 Android 12 लास्ट अपडेट होने वाला है, और Xiaomi Mi 10T और इसके लिए तो Android 12 का अपडेट भी नहीं आएगा, इसके लिए भी नहीं आएगा, और इसके लिए भी Android 12 का अपडेट नहीं आएगा, और Redmi 9 जो डिवाइस है ना इसके लिए भी Android 12 का अपडेट नहीं आएगा। Redmi Note 9 Pro अब लिखा तो यही गया कि Android 12 का अपडेट नहीं आएगा, लेकिन इसके लिए Android 12 का जो अपडेट है ना वहाँ पर आ सकता है, और जो डिवाइस बाकी यहाँ पर रह गए हैं अगर आप लोगों को उनके बारे में जानना है तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, उनके लिए भी आप लोगों को वीडियो है ना वो यहाँ पर बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगी। सो गाइज आज की वीडियो बस इतना ही, वीडियो अगर आप लोगों को ये अच्छी लगी सो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, और आप लोग हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है ना उसको भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को लेटेस्ट न्यूज है वो सबसे पहले यहीं पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोगों को एक कमाल का वॉलपेपर है वहाँ पर पसंद है तो आप लोग हमारा विजिट कर सकते हो सही वॉलपेपर का टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर मैं आप लोगों को सारे प्रीमियम क्वालिटी के जो वॉलपेपर है ना यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। अगर आप लोग इस वॉलपेपर को यहाँ पर सेट करोगे अपने डिवाइस के अंदर सो लुक का ना वो आपको यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल की देखने को मिलेगी, अमेजिंग देखने को मिलेगी, तो इसको भी आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइज मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।